अभी इसके वेट लिख रहे हो, अभी मैं लिख रहा हूँ कितने 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 केजी के एक्सटिंग्विशर होते हैं, समझ रहे हो, मतलब कितने कितने केजी के एक्सटिंग्विशर मार्केट में कौन कौन से टाइप के हैं। अभी हम लोग ज्यादातर CO2 देखते हैं, एबीसी देखते हैं, फोम, मैकेनिकल फोम भी मिलता है देखने के लिए, वाटर, और कौन सा रहता है, वेट केमिकल, अपना होटल वगैरह में तुमने देखा रहेगा वेट केमिकल, अपना वो फोम में कन्वर्ट होता है लेकिन होता अलग है, उसका उसका मटेरियल अलग होता है, ठीक है। CO2 में कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एबीसी में कौन सा पाउडर रहता है, मोनोसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी रहता है डीसीपी में, और डीसीपी में पहले होता था यूज सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन डीसीपी बंद हो गया, अभी एबीसी अभी मार्केट में चल रहा है, मोनोफॉस्फेट रहता है। अच्छे से लिख, मतलब इसका फोटो भी ले सकते, अरे अपने पास रखो, इतना है वो नहीं है अपने पास, मैं समझा रहा हूँ बस, अच्छा अक्षर अच्छा फॉर्म AFFF एक्वास्फेरिक फॉर्मिक फॉर्म, ठीक है, तुम बुक को कह दोगे नहीं, एक तो सब समझ आएगा ना, फोटो दे, ठीक है। वाटर के अंदर नेचुरल अपना वाटर ही रहता है इसके अंदर, समझ में आया, कुछ क्वेश्चन इसमें, ठीक है। CO2 एक्सटिंग्विशर हमारा स्टार्टिंग कहां से होता है, देखो 2 kg, ठीक है, 3 kg का भी होता है, 4.5 kg होता है, 2 kg हो गया, 2 kg बीच में लिखा, 2 kg, हाँ 2 kg, 2 kg, 3 kg, 4.5 kg, 6.5 kg, 12 kg, 9 kg का भी होता है, 12 बस, 50 kg के इसके ऊपर भी और होते हैं लेकिन हमारे ज्यादातर इतने ही है, ठीक है। एबीसी 1 kg, 0.5 का भी होता है लेकिन अभी सब बंद होने वाले हैं, 2 kg से स्टार्ट ही होंगे अब सब, 1 kg 2 kg सब बंद हो जाएंगे, सिर्फ 2 kg से स्टार्ट होगा एक्सटिंग्विशर। 0.5 का भी होता है, 1 kg का भी होता है, 2 kg का होता है अपना, फिर डायरेक्ट 4 kg, फिर 5 kg, 6 kg, 9 kg, उसके बाद देखा है कोई किसी ने ऊपर उसके 10 kg का देखा है, ये 4.5 kg का भी रहता है ना एबीसी, 10 kg का भी रहता है, फॉर्म 9 लीटर का होता है, 50 लीटर का और 25 का भी होता है, 50 kg का और 50 लीटर का होता है, वाटर 9 लीटर, 1 kg, 25, 50, मैकेनिकल फोम भी मिलता है देखने के लिए, वाटर, और कौन सा रहता है, वेट केमिकल, अपना होटल वगैरह में तुमने देखा रहेगा वेट केमिकल, अपना वो फोम में कन्वर्ट होता है लेकिन होता अलग है, उसका मटेरियल अलग होता है, ठीक है। CO2 में कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एबीसी में कौन सा पाउडर रहता है, मोनोसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी रहता है डीसीपी में, और डीसीपी में पहले होता था यूज सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन डीसीपी बंद हो गया, अभी एबीसी अभी मार्केट में चल रहा है, मोनोफॉस्फेट रहता है। अच्छे से लिख, मतलब इसका फोटो भी ले सकते, अरे अपने पास रखो, इतना है वो नहीं है अपने पास, मैं समझा रहा हूँ बस, अच्छा अक्षर इसका है, अच्छा अक्षर है, उसको देखने के लिए, फॉर्म AFFF एक्वास्फेरिक फॉर्मिक फॉर्म, ठीक है, तुम बुक को कह दोगे नहीं, एक तो सब लिख लो, कुछ समझ आएगा ना, फोटो दे, ठीक है। वाटर के अंदर नेचुरल अपना वाटर ही रहता है इसके अंदर, समझ में आया, कुछ क्वेश्चन इसमें, ठीक है। CO2 एक्सटिंग्विशर हमारा स्टार्टिंग कहां से होता है, देखो 2 kg, ठीक है, 3 kg का भी होता है, 4.5 kg होता है,
एक एक जहाँ एक एक जगह एक लिखना, दो के जी हो गया, बीच में लिखना दो के जी, हाँ दो के जी, दो के जी, तीन के जी, साढ़े चार के जी, सिक्स पॉइंट फाइव के जी, बारह के जी, नाइन के जी का भी होता है, ट्वेल्व, बस पचास के जी के इसके ऊपर भी और होते हैं लेकिन हमारे ज्यादातर इतने ही है, ठीक है। एबीसी दो एक के जी पांच और जीरो पॉइंट फाइव का भी होता है लेकिन अभी सब बंद होने वाले हैं, दो के जी से स्टार्ट ही होंगे अब सब, एक के जी दो के जी सब बंद हो जाएंगे, सिर्फ दो के जी से स्टार्ट होगा एस्टिमेशन। जीरो पॉइंट फाइव का भी होता है, एक के जी का भी होता है, दो के जी का होता है अपना, फिर डायरेक्ट फोर के जी, फिर फाइव के जी, सिक्स के जी, नाइन के जी, उसके बाद देखा है कोई किसी ने ऊपर उसके दस के जी, हाँ दस के जी का देखा है एस्टिमेशन। ये 4.5 के जी का भी रहता है ना एबीसी, हाँ दस के जी का भी रहता है एबीसी में, ये 4.5 ना, तो ये दस के जी फॉर्म 9 लीटर गैस भरते हैं उसको और उसमें ट्यूब रहता है, हमने मैंने तुम्हें दिखाया भी था पिस्टोल प्रेशर और कार्ट्रिज प्रेशर दोनों तुम्हें दिखाया था आईटीसी में, आईटीसी कार्ट्रिज वाला क्या रहता है उसके अंदर कार्ट्रिज रहती है, पहले CO2 की कार्ट्रिज रहती थी लेकिन अभी वो बंद हो गई है एक्सटिंग्विशर में, अभी नाइट्रोजन कार्ट्रिज रहती है, वो कार्ट्रिज के ऊपर चलता है, अगर हम पुल करेंगे तो कार्ट्रिज का प्रेशर पुल होगा वो एक्सटिंग्विशर के अंदर जाएगा तो बाहर निकलता है मटेरियल, क्या बोलते हैं स्पॉट प्रेशर, स्पॉट प्रेशर, फिर ये स्टोर्ड प्रेशर इसके अंदर अगर दबाएंगे इसी के अंदर पाउडर, पाउडर के अंदर ही गैस रहती है उसमें, जैसे ही दबाएंगे पुल द पिन प्रेशर बाहर, दो टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं, एक स्पॉट प्रेशर एक स्टोर्ड प्रेशर, स्पॉट प्रेशर के अंदर क्या होता है कार्ट्रिज होता है, इनको मैंने खोल के भी दिखाया और इसमें लगता है वो बता फॉर्म में लगता है CO2 हो गया, CO2 में भी लगता है, CO2 में भी कार्ट्रिज डीसी टाइप हो गया रहता है, ड्राई केमिकल पाउडर स्टोरेज प्रेशर, ये स्टोरेज प्रेशर वाला एक्सटिंग्विशर है, क्या करना है सबसे पहले इसका ये चेक करके उसके बाद इसका प्रेशर भी चेक करना है कि ये वर्किंग में है कि नहीं, ठीक है। उसमें हमारी रिपोर्ट्स है उसमें सब लिखा है, सेफ्टी पिन उसमें जो जैसे जैसे रिपोर्ट में लिखा है ना वैसे सेफ्टी पिन चेक करनी है, प्लस इसका ब्रैकेट चेक करना है, इसका हैंडल हैंडल चेक करना है, ये होज है, ये होज चेक करना है कि बराबर है कि नहीं, अगर इससे बड़ा एक्सटिंग्विशर रहेगा उसमें बड़ा होज रहता है उसको चेक करना है, प्लस इसका कितने के जी का एक्सटिंग्विशर है इस पर लिखा है वो भी हमें रिपोर्ट में डालना है, कौन सी लोकेशन पे था वो लिखना है, उसको फिर कपड़े से साफ करके अच्छे से मेंटेन करके एबीसी का यही पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर रहता है, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर में प्रेशर गेज नहीं होता है, ठीक है। उसका क्या चेक करना है, सबसे पहले उसका सेम टू सेम इसमें यह CO2 का होल रहता है, होल चेक करना है टूटा हुआ तो नहीं है, होज चेक करना है पूरा कनेक्टिंग से लेकर पूरा होज, फिर उसके बाद उसका होज चेक करने के बाद बॉडी रस्टेड तो नहीं है पूरा बॉडी वगैरह चेक करके, फिर उसका वेट करना है हमें, उसका वेट इसके अगर प्लेट पे जाएंगे ना यहाँ पे लिखा रहता है ग्रोस वेट टेरा वेट एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट हमें देखना है, ग्रोस वेट अगर समथिंग 4.5 kg में अपना टेरा वेट 11.5 या 10.5 इतना रहता है बॉडी के हिसाब से, जिसका जैसा मैन्युफैक्चर रहता है उतना ही रहता है हमें, फिर टेरा वेट 11.5 और इसका गैस का वेट कितना हो गया 4.5, फिर उसके बाद हमें एक्चुअल वेट उसको मेजर उसको वेट मशीन पर रख के निकालना है, हमने एक्चुअल वेट पूरा एक्चुअल वेट आया इसका 16 बराबर, एक्सटिंग्विशर का वेट अगर हमें सपोज 16 आया तो इसमें से फिर टेरा वेट 11.5 16 का हमारा ग्रोस है, फिर इसको इसमें से माइनस करना है तो कितना बचेगा 4.5 मतलब हमारा ओके एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कम आया, अगर अभी इस गैस में से 20% गैस कम आई तो हमारा सिलेंडर खाली है, हमें रिफिलिंग के लिए भेजना है। 20% मतलब कितना हुआ
4.5 इसमें से 2 केजी गैस कम होनी चाहिए, मतलब 2 केजी बचा, 2.5 3.5 तक भी रहेगा तो हमारा ओके है, इसके नीचे रहेगा तो हमें अंदर दबेगा ना तो इससे पाउडर बाहर आएगा, तो ये पकड़ना है और ये वाटर का भी और ये ना हवा जहाँ से आएगी ना जो डायरेक्शन से उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हवा यहाँ से आ रही है वो डायरेक्शन में खड़े होती है तो ये अपने लिक्विड में आएगा, तो ये ऐसे यूज होता है। और ये जो बाटल है ना इसमें और छोटा बाटल भी आता है वो ये नीचे आता है, वो भी यूज करने का तरीका बता देता हूँ। एबीसी और फ्लिपिंग, और ये निकाल के ये लॉक टूटता है इसका, ये निकाल के ये प्लंजर है इसको कस के ना प्रेस करते हैं, और ये जो अपना डिस्चार्ज नोजल है ना इसको पकड़ना, इसको पकड़ के स्वाइप साइड टू साइड करना, क्योंकि एक ही जगह मतलब आप रखोगे ना तो बाकी जगह फायर फैलेगी, वो एक ही जगह बुझेगी, तो इसको ना आज हिलाना है आजू बाजू, तो ये दोनों साइड का ना एरिया कवर करके बीच में ही आग बुझा देगी। इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज, ये नॉर्मली सबसे यूज कर सकते हैं, ये यूज क्यों नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रिक फायर में अगर एक जगह आग लगी ना तो पाउडर फैलते हैं।